नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आदित्य और आप देखें डीजे लाइट ट्रिक्स। दोस्तों यहां पर आप पीछे में देख रहे हैं चार शार्पी में लगा रखा है और चारों शार्पी में अभी प्रोग्रामिंग चल रहा है। दोस्तों यहां पर हमने इस बार तीन डिजाइन अभी तक बना के ऐड कर दिए हैं इस शार्पी में। DMX 512 में इसकी प्रोग्रामिंग हुई है। दोस्तों अगर यहां पर इन तीनों डिजाइन में से किसी भी डिजाइन का प्रोग्रामिंग वीडियो आप लोग को देखना है तो इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, जाकर वीडियो को देख सकते हैं। दोस्तों पार्ट वन को जरूर देख लीजिए क्योंकि पार्ट वन में हमने बता रखा है वायरिंग कैसे करना है, कोडिंग कैसे करना है और बाकी सारा कुछ डिटेल हमने उस वीडियो में बता रखा है, मैनुअली कैसे चलाना है शार्पी को DMX 512 से। तो दोस्तों आज का वीडियो में आप लोग कुछ नया डिजाइन बना करके देने वाला हूँ, तो इस वीडियो को लास्ट तक पूरा देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम DMX को ऑन कर लेते हैं। दोस्तों ये देखिए हमारा DMX अभी ऑन हो चुका है और सारा शार्पी का हेड अभी डाउन हो चुका है। और अब यहाँ पर जैसे कि हमारा 103 बैंक तक पेज बना हुआ था, 104 खाली है। ये देखिए 104 में कुछ नहीं है और 103 में ये देखिए तो प्रोग्रामिंग एड है हमारा। तो आज का प्रोग्रामिंग 104 बैंक में होगा। ये देखिए बिल्कुल अभी बंद हो जाएगा। तो यहाँ पर प्रोग्राम के बटन को एक बार लॉन्ग प्रेस करके रखना है दोस्तों और यहाँ पर बैंक में 104 ले आना है। ये देखिए डिस्प्ले पे 104 आ चुका है और अब यहाँ पर 1 से 4 तक स्कैनर को चालू कर देंगे और इसमें लाइट लाना है दोस्तों। तो सबसे पहले पेज ए का 2 और 3 फीडर को ऊपर करेंगे। ये देखिए लाइट आ चुका है अभी और अब जैसे ही पेज सेलेक्टर को दबाएंगे तो ये पेज बी पे आ जाएगा और पेज बी पे 2 नंबर वाला ये देखिए घूमने का काम करता है। तो ये एक जो फर्स्ट नंबर वाला शार्पी है दोस्तों इसे छोड़ देना है क्योंकि वो जस्ट इन लोग का अपोजिट काम कर रहा है। ये देखिए इन लोग लेफ्ट मुड़ रहा है तो वो राइट मुड़ रहा है, तो इसलिए हम सबसे नंबर 1 वाले को छोड़ देंगे और अब केवल तीन शार्पी को ही कमांड देंगे। ये देखिए इस जहाँ पे आ चुका है। तो दोस्तों अब इसी पोजिशन में तीनों शार्पी को होल्ड करेंगे। होल्ड करने के लिए ये तीनों स्कैन को ऑफ कर देंगे। ये देखिए तीनों स्कैन अभी ऑफ हो चुका है और अब एक स्कैन चालू करेंगे जो नंबर 1 वाला है और केवल उसको ये पोजीशन में लेंगे। तो अभी आप देख सकते हैं दोस्तों चारों शार्पी बिल्कुल एक पोजीशन में है, चारों शार्पी अपने राइट साइड मुड़ा हुआ है। तो इन्हें हमें अब सेव करना होगा, तो इसे एक बार करेंगे मीडिएट और सीन नंबर 1। देखिए अभी LED सारा एक बार ब्लिंक किया और ये प्रोग्रामिंग हमारा बैंक नंबर 104 का सीन नंबर 1 में ऐड हो चुका है। अब जस्ट इसको अपोजिट करना है दोस्तों, यहाँ जैसे इस साइड में है तो इसको इसका अपोजिट ले जाना है। तो उसके लिए सबसे पहले सीन नंबर 1 को एक बार दबाएंगे और जो सिंगल और शार्पी है उसको कमांड देंगे। तो ये देखिए अब ये चला गया इसका जस्ट अपोजिट। तो अब यहाँ पे स्कैन नंबर 1 को ऑफ करेंगे और स्कैन नंबर 2, 3, 4 को चालू करेंगे और जस्ट इसको भी थोड़ा सा और बढ़ाएंगे और जस्ट जितना हमारा वो शार्पी गया है ऊपर उतना इधर भी इन लोग को ले आएंगे। ये देखिए हमारा चारों शार्पी अभी एक जगह पे है और इसको कर देंगे दोस्तों मीडिएट सीन नंबर 2। अब दोस्तों जस्ट इन लोग को ऊपर ले आना है, तो ऊपर ले आने के लिए वापस से हमें ये 4 नंबर वाला स्लाइडर को उठाना होगा और ये चारों शार्पी पे सेम काम करेगा। तो यहाँ पर चारों स्कैनर को भी ऑन कर दिए हैं और अब हम 4 नंबर स्लाइडर को उठाएंगे तो ये देखिए 7 शार्पी ऊपर मूव कर रहा है। ये देखिए अभी यही पोजीशन पे दोस्तों हम इसको पहले एक बार सेव करेंगे। तो सेव करने के लिए वापस से मीडिएट सीन नंबर 3 और अब जस्ट इन लोग को इधर ले आना है दोस्तों, इन लोग का मुंह केवल घुमा देना है। तो मुंह घुमाने के लिए पहले 1 नंबर वाले को हटाना होगा और बाकी 3 को पहले घुमा लेते हैं दोस्तों। ये देखिए पोजीशन आ चुका है, अब तीनों को होल्ड करेंगे और नंबर 1 वाले को भी इस जगह पे ले आएंगे। ये देखिए बेचारों बिल्कुल एक जगह पे है टिका हुआ और इसको कर देंगे मीडिएट सीन नंबर 4 और आज का प्रोग्रामिंग दोस्तों हमारा सेव हो चुका है। और अब यहाँ पर स्लाइडर को डाउन करेंगे, स्कैनर को ऑफ करेंगे और प्रोग्राम को लॉन्ग प्रेस करेंगे और ब्लैकआउट कर देंगे। तो ये हमारा चौथा डिजाइन आज चालू हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर प्रोग्राम को फिर से लॉन्ग प्रेस करना है, बैंक में 104 आना है और यहाँ पर चेस नंबर 4 को ऑन करना है। ये देखिए अब सीन नंबर 1 को दबाएंगे। ये देखिए चारों शार्पी एक जगह है, अब इसको कर देंगे एक बार मीडिएट।
फिर से सीन नंबर टू इसका जस्ट अपोजिट गया, फिर से इसको करेंगे मीडिएट, फिर सीन नंबर थ्री तीनों ऊपर गया, फिर करेंगे मीडिएट वापस से, सीन नंबर फोर ये देखिए जस्ट अपोजिट आ गया, इसको भी कर देंगे मीडिएट, फिर से एक मीडिएट, दो मीडिएट, तीन मीडिएट, चार मीडिएट, ये देखिए अभी दो बार हो चुका है दोस्तों, इसे फाइव टाइम कर देंगे काफ़ी यूनिक लगेगा देखने में। वापस से एक मीडिएट, दो मीडिएट, तीन मीडिएट, चार मीडिएट, एक मीडिएट, दो मीडिएट, तीन मीडिएट, चार मीडिएट, एक मीडिएट, दो मीडिएट, तीन मीडिएट, चार मीडिएट, और एक बार करते हैं दोस्तों, एक मीडिएट, दो मीडिएट, तीन मीडिएट, चार मीडिएट। अब दोस्तों यहाँ पर प्रोग्राम वाले बटन को लॉन्ग प्रेस करना है और इसको सेव कर देंगे ब्लैकआउट करके। अब यहाँ पर चार नंबर चेस को हम ऑन करेंगे दोस्तों, ये देखिए डिस्प्ले चार आ चुका है। एक बार ऑटो डेल को दबाना है, अब स्पीड को उठा करके छोड़ देना है, ये देखिए आप स्पीड अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिएगा। दोस्तों ये डिज़ाइन जब आपकी डीजे वाली गाड़ी पे चलेगी तो काफ़ी यूनिक लगने वाली है, और अगर आप चाहें तो इस डिज़ाइन को अपने फ्लोर डीजे पे भी चला सकते हैं। और दोस्तों जब ये डिज़ाइन हमारा चलता रहेगा, अगर इसी में आप लोग को गोबो और प्रिज्म लाना है तो वो भी आ सकता है, कोई दिक्कत इस पर नहीं है, और उसमें भी काफ़ी यूनिक लगेगा ये देखने में। दोस्तों गोबो और प्रिज्म लाने के लिए आप लोग को मैं यहाँ पर सिखा दे रहा हूँ, ये देखिए जो एक नंबर, दो, तीन और चार नंबर स्लाइडर ये स्कैनर है इसको ऑन कर दिए हैं, और अब केवल एक बार बैंक ए में आना है और पाँच नंबर वाले स्लाइडर को उठा कर छोड़ देना है। ये देखिए हमारे चारों सारपी में गोबो आ चुका है, मैं आपको थोड़ा दूर से दिखाता हूँ दोस्तों। तो दोस्तों जैसे कि अभी हमने चार डिज़ाइन आज तक बनाया है, और चारों डिज़ाइन को मैं एक बार आप लोगों को चला करके दिखा देता हूँ, ये देखिए चेस्ट नंबर थ्री टू वन। और यहाँ पर दोस्तों जितना भी डिज़ाइन हमने बनाया है सारा डिज़ाइन को आप चाहेंगे तो इसी तरह से गोबो प्रिज्म में चला सकते हैं, या अगर गोबो प्रिज्म में आपको नहीं चलाना है तो डायरेक्ट बीम में भी चला सकते हैं। तो वापस से हमें बीम लाने के लिए ये देखिए फाइव और सिक्स नंबर स्लाइडर था, इसे पूरा डाउन कर देंगे तो हमारा वापस से जो कलर में और जो बीम में प्रोग्रामिंग था उसमें आ जाएगा, ये देखिए। दोस्तों यहाँ पर जो चार डिज़ाइन चल रहा है, यहाँ पर किसी भी एक डिज़ाइन का अगर प्रोग्रामिंग आप मिस कर चुके हैं तो इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, जाकर के उस प्रोग्रामिंग वाले वीडियो को देख सकते हैं। पार्ट वन, पार्ट टू, पार्ट थ्री, पार्ट फोर, इस टाइप से आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा। और दोस्तों पार्ट वन को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि पार्ट वन में हमने इस जितना भी चारों सारपी में कोडिंग डाला हुआ है और इसमें जो वायरिंग किया हुआ है सारा डिटेल हम पार्ट वन में ही बता दिए हैं, और मैनुअली कैसे यूज़ करना है डीएमएक्स सारपी को वो भी हमने पार्ट वन में ही बता रखा है। तो पार्ट वन वाले वीडियो को मिस ना करें, पार्ट वन वाले वीडियो को जरूर देख लें। तो आज का वीडियो कैसा लगा दोस्तों कमेंट में जरूर बताइएगा, वीडियो अच्छा लगा दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।